जगदलपुर के नगरनार में एक बार फिर मजदूर संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है। नगरनार इस्पात संयंत्र में मंगलवार को दिल्ली और हैदराबाद से एनएमडीसी और केंद्रीय खान मंत्रालय से चार डायरेक्टर पहुंचे, लेकिन मजदूर संगठनों के विरोध के चलते वो प्लांट में नहीं जा सके। दरअसल नगरनार इस्पात संयंत्र के डीमर्जर और निजीकरण की कवायद की नज़र से इन डायरेक्टरों का प्रवास देखा जा रहा है और इसी के मद्देनज़र मजदूर संगठनों ने इस बात का विरोध किया और गेट पर ही उन्हें रोक दिया। देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र का अगर बात कर दो एनएमडीसी जो नवरत कंपनी के नाम से जाना जाता है और नगरनार में जो स्टील प्लांट का निर्माण अधीन है वो अब अंतिम चरण पर है। इसके चलते रोजाना कोई ना कोई डायरेक्टर या कोई अधिकारी यहाँ पर आते हैं निरीक्षण के लिए, लेकिन कल दोपहर को जिस समय मंत्रालय की ओर से तीन डायरेक्टर यहाँ पहुंचे थे उस समय यहाँ के मजदूर के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। क्या वजह है? यहाँ के जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, इंटेक वाले हैं, जो भी संगठन के जो लोग हैं उनसे सीधा चर्चा करेंगे। कल डायरेक्टर यहाँ आए थे एनएमडीसी में, आपने उसे अंदर जाने नहीं दिया, वजह क्या है? मैं महेंद्र जॉन, एआईटीयूसी जनरल सेक्रेटरी एसआईएमएस का। दरअसल जो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर कल यहाँ पर आए हुए थे उनके आने की सूचना ना तो यहाँ पर किसी प्रकार के ग्रामीणों को दी गई और ना पर काम करने वाले जो ट्रेड यूनियन है उनको दिया गया। और ये जो स्वतंत्र प्रभार के जो डायरेक्टर हैं ये हमारे बोर्ड के डायरेक्टर के साथ भी बैठते हैं और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के केंद्र सरकार की जो नीति है ये उस नीति में उनके सहयोगी हैं कि किस तरह से देश में जो बन रहे पब्लिक सेक्टर हैं और जो बने हुए पब्लिक सेक्टर हैं उनको किस तरीके से इसको अपने दोस्तों को देना है, ये उनके रणनीति के तहत उनका यहाँ पर आना हुआ था। और जब हमको इसकी सूचना मिली और प्रबंधन जिस तरीके से छुपा करके इनको अंदर प्लांट विजिट कराने की जो योजना बना करके रखा था उसको हमने कल फेल किया। हमारा डिमांड तो यही है कि ये प्लांट नगरनार स्टील प्लांट जो बन रहा है बस्तर के आदिवासियों के लिए, बस्तर के बेरोजगारों के लिए, वो पब्लिक सेक्टर में ही रहे, एनएमडीसी इसको चलाए और यहाँ के बेरोजगारों को और यहाँ के लोगों का हित हो। आप जो एनएमडीसी का जो प्लांट आप शुरू अंतिम चरण पर है और इसके चलते तमाम जो लोग आएंगे क्या इसी तरह रोकना उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं है, परंतु अंधेरे में रख करके किए जाने वाले काम का विरोध होगा, भविष्य में भी होगा। आप हमको बता करके कीजिए, हमसे बातचीत करके कीजिए, जो भी है हमारे सामने कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बस्तर का एकमात्र लगने वाला स्टील प्लांट पब्लिक सेक्टर के हाथ से निकल जाए। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जो यहाँ के मजदूर यूनियन का जो कहना है इस प्रकार की, जहाँ कल जिस तरह से जो खान मंत्रालय के जो डायरेक्टर आए थे तो इन मजदूरों के संज्ञान में नहीं था, जिसके विरोध में कल उन्हें यहाँ अंदर जाने के लिए रोक दिया था। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हालदार, INS न्यूज, नगरनार। तो डीमर्जर और निजीकरण का जो विरोध है वो यहाँ पर किया गया है और जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें गेट से ही वापस लौटा दिया गया। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगरनार के जो एनएमडीसी के जो महाप्रबंधक संचालक वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल डायरेक्टर लोग आए थे और कुछ मजदूर लोग, उन्हें रोका गया था, आखिर कौन लोग है और अभी अगर एनएमडीसी की बात करें किस कहा कब से शुरू होने वाली है? भाई, अभी नगरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर का गौरव है वो जल्द ही कमीशन होने वाला है और उसके लिए जी जान से हम प्रयास कर रहे हैं। अब इस कमीशनिंग के दौर में जहां हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कोल्ड ट्रायल्स कर रहे हैं, ऐसे वक्त हमारे विशेषज्ञ, कई विशेषज्ञ जो फॉरेन से भी आ रहे हैं या फिर हमारे डायरेक्टर्स चेयरमैन्स निरंतर यहां आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि समीक्षा करना है, पूरा सिस्टम को देखना है और जल्द ही जल्द बस्तर को उसकी इतनी बड़ी सौगात देनी है। अब ऐसे वक्त ये बिन बात का कि कोई इशू आप खड़ा करें इसमें तो बात नहीं बनती। जायज तब होगा जब उसके लिए कुछ ज़रूरी और अहम मुद्दा होगा। आज के तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि NMDC यहाँ पे सालों की बस्तर वासियों की उम्मीद को पूरा कर रहा है,
ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है और उसी कार्य में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो विरोध करना बेमानी है और आपको पहले दिन से इसमें भागीदार बनाया गया है, आप भी हिस्सेदार हैं। यहाँ पे विरोध करना सिर्फ NMDC से नहीं बल्कि बस्तर वासियों के साथ और हमारे देशवासियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही जाहिर है कि ये बेमानी बातें हैं, ऐसी रुकावटें न लाएं, कोई बाधा न लाएं जिससे स्टील प्लांट के कामकाज में रुकावट आए। निश्चित रूप से इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के जो महाप्रबंधक जी रहे है रफीक साहब, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बस्तर के लिए बड़ी सौगात है, यहाँ पर हजारों लाखों रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन इस तरह से अगर विरोध होता रहेगा तो निश्चित रूप से इस काम में बाधा आएगी। तो ये भी सबसे अपील किया है कि इस प्रकार की विरोध ना करे और इस संचालन को अच्छी तरह से होने दे। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हलदार, INS News, नगरनार।